हाय मैं प्रिंसेस, ये देखिए वाइट एम वाइट। आपके फैयाज भाईजान आज वाइट होने वाले। आज पहली बार फैयाज वाइट कलर की चप्पल पहन रहे। सही हूँ फैयाज, क्या गलत हूँ? सही बाबा। और कैसे लग रहे ये? ओहो क्या बात है। नो मेरी तो टोपी पहनो, वो मत पहनो। हाँ जूनी वाली नुमेर की, उसने नहीं ले लिया ना। हाँ तुम ये पहन लो। हाँ अच्छे लग रहे थे। ओहो हाँ इधर लगाओ ना। आय हाय मुझे पापा के बाजू में आ। पापा के साइज का हो गया क्या? तू थोड़ा सा बाकी है तेरी टोपी। हाँ नहीं नहीं रहने, तू पहनिए, तेरे लिए तो लिए थे नहीं वाले। हम लोग को चलता है बेटा, हम लोग को सब चलता है। नहीं उसको मत उठा। हाँ बंद कर दो दरवाजा। चलो अभी ये लोग नमाज के लिए निकल रहे हैं। हाँ 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 वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरा बच्चा। जो भी गलती हो मॉम माफ कर देना। अल्लाह माफ करेगा मेरा बच्चा रे। अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे, खुश रखे और दिल वाला बनाए, सबकी इज्जत करने वाला है ना मम्मा। यस, कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना बेटा। ईद मुबारक मीनू, ईद मुबारक। अच्छा हमारे हस्बैंड 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 हमारे हस्बैंड हमारा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये तो गलती तो माफ कर देना, माफ साल भर की, अगले साल फिर अगले साल फिर माफी मांगूंगी। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। मीना, मीना, ईद मुबारक, ईद मुबारक मीना। उन्हें बोल रही मेरे को गोद में छोने दो बस। ईद मुबारक, मुबारक। मेरी बेटी तैयार नहीं हुई, अभी तैयार होगी बस। आपा ईद मुबारक। अच्छा तैयार, अच्छा माही तैयार होएगी, माही तैयार होएगी, उसके बाद में ईद मिलेंगे डबल। ठीक है, चलो बाय। हाँ ठीक है, फिर ईदी देंगे, ईदी देंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज हो गई ईद की, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करो, यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। हाँ चले, अभी माही तैयार होके मिलेगी आप लोगों से, है ना। चले, क्या भेज रहे? दीदी किसको? नुमेरी दीदी के लिए बैठा है पप्पा के पास। हाँ दीदी के लिए बैठा है नुमेर। क्या हुआ नुमेर? अच्छा दीदी कितनी चाहिए? इधर 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 सौ रुपए पप्पा से, 200 रुपए मेरे से, इसको 300 रुपए दीदी चाहिए बोलते। माँ अल्लाह अल्लाह, हमारे को भी नहीं मिली बेटा 300 रुपया। हाँ देते थे यार। हाँ वो भी फुप्पू लोग 10 रुपए देते थे, मालूम है तुमको? 10 रुपए मिलती थी? 10 रुपए वो भी सोच के देते थे फुप्पू अभी हमारे। और अभी लोग 300 रुपए इनको पापा से चाहिए बोलते हैं और मम्मी से भी चाहिए बोलते 300 रुपए। मेरे को 50 और माई को 20। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यार अल्लाह ये ईदी का लफड़ा हो गया सुबह सुबह। 300 रुपए किसको बोलते मालूम है क्या? तैयार तो मैडम, देखे कपड़ा पहन के बैठ गई है खाली, अम्मा टल्लो बन के। चल तैयार हो जा। हाँ घड़ी पहन ली, देखे हुआ क्या नुमेर? कारस्तानी कर रहा है, फैन पे अकाउंट खोल के रखा है ना, उसके अंदर बोलता है पैसा उसमें भेजो बोले मेरे को। रखते उठा तो। चेहरा दिखा जरा तेरा, चेहरा दिखा ना जरा। क्या शर्मिला है रे अल्लाह। फयाज क्या होएगा तुम्हारे बेटे का? हुआ फयाज, इसको 50 रुपए भेज दो अकाउंट में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी, क्या हो गया टोन भूल गई? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। चले आज का ब्लॉग शुरू करते।
सब भारी भारी पहन लेना तो फिर बोलने भी नहीं हो रहा, मुंह हड़कड़ा रहा है मेरा। एंड मस्त वाली शिरकुरमा मेरी बनी है। आप सबको ईद मुबारक और मेरी माई को दे। चले मैं बनी थी ये शीरकुरमा और अभी जाने की तैयारी हो रही है, अम्मी के वहां जाने वाले हम लोग जोगेश्वरी। शीरकुरमा मेरा गजब का बना, हालांकि मैं ज्यादा कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, आप लोग देखे ना एकदम सिंपल बनाती हूँ, लेकिन गजब का टेस्ट आता है। वो मावा ये वो ब्ला 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 मैं डालती नहीं, सिंपल सी स्वीट एंड सिंपल। आपके भाई जब मेरी मेहंदी का रंग आ गया और इसका असर इतना अच्छा हुआ है ना ये शीरकुरमा का, मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड सुबह से दो या तीन कटोरी खा के ना क्या कर रहे पता है आपको बताऊं, आप देखोगे ना हंसोगे कि शीरकुरमा का साइड इफेक्ट कितना अच्छा हुआ है। देखने का बोलिए ना, देखने का क्या। हाँ तो चले दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो ये देखिए शीरकुरमा का साइड इफेक्ट। आपके फैयाज भाईजान देखे क्या मस्त वाली नींद सो रहे। देखे आपके फैयाज भाईजान मुझे लेके जा रहे थे अम्मी के यहाँ पे, और वो खुद लामलेट हो गए शीरकुरमा सुबह से पी रहे बोले बहुत अच्छा बना, पी के लामलेट हो गए। कैसे उठाऊं भी इनको मैं, क्या करूं बताओ। अम्मा पानी मुंह पे डालो। हाँ पानी नहीं है, इतने गहरी नींद में सो रहे, अपन वहां जाएंगे, धूप बहुत आ रही है। माई ने मेरा शीरकुरमा ले रही, अब माई भी सोने वाली है। यस। हाँ जाने का नहीं नानी, क्या नानी वेट कर रहे है ना। चले अभी हम लोग निकल रहे हैं अम्मी के वहां जा रहे हैं, और नुमेर तो नहीं दिख रहा आप लोगों को। हाँ नुमेर नहीं है, नुमेर कहाँ गया पता है, नुमेर गया है मॉल फ्रेंड लोग के साथ में घूमने। मैंने चलो ठीक है अभी क्या करेंगे यार, बच्चे बड़े हो गए तो फिर उन लोगों को हम लोग के साथ में तो लेके नहीं घूम सकते ना, वो लोग नहीं आने वाले, तो मेरे को बोलता मैं मॉल जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड लोग के साथ में, मैं आ जाऊँगा बोले वहाँ से, वहाँ आ जाऊँगा मतलब मॉल से सीधे घर ना अम्मी के वहाँ पे आ जाएगा पूरा, तो देखती हूँ अभी। अच्छा मेरा ड्रेस ईद का कैसा लग रहा है ज़रा बताना कमेंट करके। अच्छा ज़्यादा हैवी नहीं है, एकदम लाइट एंड सिंपल एंड स्वीट, मतलब ये है रेयन का, और ये जो है ना डिज़ाइन मैंने टेलर को बताई थी तो उन्होंने सीखे दिए। एक्चुअली सामने डिज़ाइन ऐसी कुछ है, ये देखिए है ना, ये देखो सामने ऐसी डिज़ाइन है, और फिर मैंने सेम ऐसे वही डिज़ाइन मैंने वही यहाँ पे बनाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ साइड में भी बना दी। तो ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट रेवन का ड्रेस है, ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का है, और गर्मी में यही इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। वो चमक धमक यार गर्मी में नहीं पहन सकते, क्योंकि ऐसे ही मैंने ये पहन के थोड़ा सा भी ये पहन ली ना ज्वेलरी वगैरह तो मुझे वो लग रहा है अभी, लेकिन अभी क्या करेंगे, आफ्टर ऑल ईद है यार, थोड़ा सा तो बनता है ना। अभी मत बोलना यार प्लीज़, ओवर एक्टिंग करती है यार, अभी मत बोलना यार प्लीज़, ईद के टाइम तो छोड़ दो, ईद में तो करने दो। आपके भाईजान को उठा रही हूँ, अगर उठेंगे तो फिर चले। माही तो ए माही कितना फिर ये सोने का क्या, इधर ही चले निकलते हैं, अभी उनको उठाती हूँ कैसे भी करके। जब पकड़ उठा, जब पकड़ जब पकड़ पापा कहाँ है। हाँ अच्छा पापा कहाँ है, जाना बोलना रेडी है हम लोग, जब बुला जल्दी बुला। पैंट पे कितना गंदा लगा ये देख, पापा है देख सामने से। चलो हो गई नींद तुम्हारी, कल का ब्लॉग देखना तुम ईद वाला, बहुत मस्त वाला है। तुम्हारा कुछ कारस्ता नहीं करी मैंने। करी लगा अंदर, चलो ये लो गाड़ी में रखो ना जाके, चलो बैग में भाई गाड़ी में रखो। क्या गर्मी है यार, क्या गर्मी है, हाँ गर्मी बोल रही है। अम्मी वेट कर रहे हैं, अम्मी बोल रहे हैं बहुत आराम से निकल रहे, बोलो सो के निकल रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे थे वो हमको ही मालूम है। अबे अम्मी को कैसे समझाए, चिल्लाएंगे भी, दांत तो खानी पड़ेगी। लो तेरे तेरे बैग में डाल, छोटे वाले बैग में।
क्या कर रहे हैं, अंदर घुस के लगेगा ना सर के ऊपर, क्या कर रहे, पानी डाल रहे। अरे अल्लाह, अभी इनको याद आया जाने के टाइम पे, देखो देखो कैसे घुस घुस के डाल रहे। चलें, देखिए उंगली करते हैं बैठे बैठे, कुछ लोग कारस्तानी करते हैं, कारस्तानी करते बैठते है ना। चले अभी जाते हैं, अभी नुमेर को नहीं, नुमेर को गया है इंफिनिटी मॉल। अभी हम लोग निकलते निकलते देखे कितना बज गया, अच्छा लग रहा है ना ड्रेस, सिंपल एंड शॉर्ट, मेरा मास्क। चले चलो 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 आइया। अरे बाप, ए जाई मां, हाय करो, हाय, देख का तुम्हारा, देख का, हां देख बे, देखा बे ला, चार बजे खाली गली से यहां तक आए थे कि मेरी सांस फूल गई, बहुत गर्म हो रहा है फज्जू, बहुत ना सर लग रहा, अभी जाके ना मैं पहले छेज करके सो जाऊं। चले अम्मी के यहां चलते हैं। अच्छा इतने दिन में मैं निकलती नहीं हूँ जल्दी बाहर, आज मैं शायद बहुत टाइम के बाद बाहर निकली, वरना इतने दिन तो घर में ही रहती हूँ। माई क्या कर रही है, ट्रैफिक में फंसे, ट्रैफिक में फंसे, ट्रैफिक में फंसे, ट्रैफिक में फंसे, पज यार अल्लाह, बहुत धूप है यार सच में, कैसे गाड़ी चलाते रोड पे यार, हम लोग तो एक जगह दिन बाहर निकलेंगे तो हमारी हालत बुरी हो जाती है, रोड पे गाड़ी कैसे चलाते, रोड पे ट्रैवलिंग करने वाले कैसा करते हैं। चलिए चले, ये हम लोग पहुंच गए जोगेश्वरी, ये जोगेश्वरी का हाईवे। चले अभी बस 5-10 मिनट एंड हम लोग हमारे घर पे। गाड़ी किसकी है, इधर आएंगे ना गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे गाड़ी खड़ी करते, इधर यही टेंशन ज्यादा है। चले हम लोग पहुंच तो गए बट गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिल रही है, अभी आपके भाई जन गए देखे कि गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, रिक्शा, क्योंकि यहाँ भी रिक्शा वहाँ भी रिक्शा, बाइक सब पूरी लगी पड़ी हुई है। अरे आपके भाई जन कन्फ्यूज है गाड़ी कहाँ लगाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी लगाने को बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा पूरा एरिया बैंड हो गया है, देखो सब जगह रिक्शा खड़ी है, रिक्शा बाइक, रिक्शा बाइक, क्या करेंगे वही सोच रहे कंफ्यूज। रख दो साइड में रख दो, संभाल बेटा संभाल, निकालो चप्पल निकालो, ये चप्पल अंदर नहीं इधर निकालना तो गटर में चली जाएगी, याद है ना उस दिन चली गई थी, अंदर रख अंदर रख। क्या गर्म हो रहा है अम्मी, हवा नहीं आती अम्मी, वो क्या लगा दिए ये प्लास्टिक, नानी तो कब से लगाए ना, तभी गर्मी हो रही है ना मम्मी, आज ही देख रहे बारिश में लगा, लेकिन गर्म में भी तो अभी जब बारिश तो चार ही महीना रहती ना, फिर तो पूरा धूल उड़ के अंदर आता तो हवा कैसे आएगी फिर तुम्हारे को, आएगी ना, गर्म हवा ही नहीं आ रही है, अंदर आ जाए तो अभी हवा आएगी, अंदर हवा आए, चलो आ रही है माई, पुलाव का नाम सुन के क्या हो गई, और जब से जो ये लगा रही थी ना मेरी माँ को, मेरी चुगली लगा रही थी, मेरी अम्मी को बोलती कि तुम मम्मी को मारते क्यों नहीं है, मेरी अम्मी बोले क्या मारूंगी, बोले वो उसको आधी बुड्ढी हो गई, बोले वो हाँ बज्जू
बिस्मिल्लाह जजाकल्लाह। हाथ से खाएगी ना? हाँ हाथ से खाएगी। बिस्मिल्लाह जजाकल्लाह। जमजम पुलाव बना है, जमजम पुलाव। ये देखें, मिर्ची नहीं है, ये आलू है। इसके अंदर है ना बैदा भी है, इसके अंदर कबाब भी है, मिर्ची नहीं है, इसमें गोश्त भी है, बटाटा भी है, ग्रीन वाला वो आलू है। चले सब लोग आ जाए आप लोग, और सबको ईद मुबारक। खाना खाने से पहले वापस से वंस अगेन, आपके भाईजान के हाथ में रुक रहे, भूख लग रही है दबा के, शिरकुरमा खा खा के सो सो के। ऐसा नहीं, हम लोग नाश्ता करे थे सुबह में, है ना। ये क्या है, कचुम्बर। ये लो कचुम्बर। हाँ गाइस खा के दिखाओ। अल्लो अम्मी सही में मिर्ची खाई? अम्मी मिर्ची थी कि क्या थी? अम्मी सच्ची बोलो, अम्मी अम्मी सही बोलो। हाँ नहीं मिर्ची चूना लगा रही। मैं सच में समझी अम्मी मिर्ची है बोल के, इतना अच्छे से कैसे खाएगी ये? देखो ना बता, रेड ये ग्रीन कलर का आलू है। अच्छा जमजम पुलाव के अंदर वो आलू को लूंगी फ्राई। इसमें निकालू क्या वो तुम लोगों को? निकालू ठंडा पानी रखे अम्मी फ्रिज में? नहीं नहीं इधर ऊपर ठंडा पानी दो बाटली ऊपर है। नहीं खड़े रखे ले, तुम भी बैठ जाओ साथ में। चलो रख दे एक ही बाटली, एक बाटली पीछे रख। हाँ अरे मैं एकदम शॉक में हो गई, ऐसा कभी खाई नहीं ना वो मेरे को देखो ना चूना लगा रही है। नानी ने भांडा पोड़ा मैं देख रही अम्मी तुमको, अम्मी मुंह देखो। अभी हम लोग ना बकरा ईद में आयरा का ड्रेस पहनेंगे, नायरा का पायरा का। आये के साथ में, नानी के साथ में उसका चप्पर चप्पर शुरू हो गया। बोले मम्मी ने मेरे को नानी नवासी नायरा का ड्रेस। नायरा ना क्या? मायरा अच्छा मायरा नहीं बोलू, अच्छा नायरा, नायरा का ड्रेस। ये अच्छी लग रही ना वेस्टर्न ड्रेस में भी, तो तू अच्छी लग रही मेरे को तो, बहुत क्यूट लग रही है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, इसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। चले बाय। आ गया नुमैर भी, डायरे आया कॉलेज से। नहीं कहाँ गया था नुमैर? इन्फिनिटी मॉल। आजा नानी से ईद मिल ले। चल ईद मुबारक। अरे बाबले मेरी नानी का ये एक ही नवासा है ना अम्मी, ये लौटा है ना तुम्हारा नवासा? नहीं नवासी तो दो है ना, नवासी दो है, एक मालेगांव में है अजी। दो नवासा एक ही है ना, वही बोल रहे मैं तुम्हारे, एक ही नवासा है और पोतरा एक है, एक पोतरी है और दो नवासी है, है ना। हाँ हाँ माई की बहन क्यूटी पाई। नुमेर आ गया घूम के, क्या हुआ नुमेर मजा आई? हाँ एंजॉय किया? चल खाना खा रहा झोपड़ा क्या है नुमेर? हाँ अम्मी देखो झोपड़ा, देखो मेरे को नहीं पसंद आता बेटा। झोपड़े देखो उसके झोपड़े। मैंने क्या बोली थी नुमेर, नुमेर अम्मी हम लोग को ये सब नहीं करने देते, तुम लोग को इतना ना मिल रहा है, ये हम लोग को नहीं मिलता था ये सब। तुम लोग नसीब वाले, तुम लोग ऐसा ना तुम्हारा बाप है ना बहुत, करो करो कोई बात नहीं। क्या हुआ बता? घूम गया ना, मेरे गाड़ी में चोट आई, ये घूम गया। मम्मी ने मुझे पर्दे मत्ते भर गए, पापा कहीं और गाड़ी खड़ा कर दिए, पापा कहीं लेके आए ये। अच्छा मुझे मम्मी से मारनी पड़ी। देखा मैं कहाँ घुस गई थी मालूम है? मेरे छुपके मैं यहाँ बैठी ना, यहाँ अंदर घुस गई मेरे पीछे, बच गई माई। आज घर पे जाने के बाद में तो मार क्योंकि चीजें संभालती नहीं है, चीजों पे ध्यान नहीं देती है ना। लेके जाने के चक्कर में भूल गए तो क्या लेके गए? तो दो थैली छोटी छोटी आई थी और बोतल भी तो थी। तो कितना बड़ा सामान था क्या? घड़ी छोड़ देती थी, दो हाथ, एक हाथ में दो थैली, एक हाथ में बोतल, तो पहनने का टाइम ही नहीं मिला। आप भी बोलो अरे बुड्ढी अम्मा घाई करके आए तो भी तुम लोग तो कितना लेट आए ले, तुम लोग कब से आना मांगता था? एक बजे से मैं रास्ता देख रही कि अभी आएंगे जाके बाहर बैठ रही तो टाइम पास हो रहा ही नहीं है। नानी आप तो मुझे फंसाए जा रहे बार बार। फंसा तो सही तो बोल रही हूँ ना मैं, फिर आज रोजा नहीं है तो जल्दी आएंगे तो खाना तो खाएंगे, देखे तो इतना टाइम होते जा रहा होते जा रहा। कौन सी पोल? कौन सी पोल? आपने क्या इतनी सी कौन खाया है? मैंने तो इतनी बड़ी मैं जलाऊं बोला, इतना बड़ा बॉक्स में पेप्सी का बीन्स खाया, बीन्स का मेरा भी अच्छा लगा। फ्राइड राइस नंबर क्यों खा रहा है तू? अपना खा के आया ना तो मुंह बंद रख। हां फाइनल रिजॉर्ट में मैंने फाइन फ्राइज खाई,
पॉपकॉर्न खाई, गोला खाई, कुछ भी नहीं है वहाँ के फ्रेंड्स के बराबर नहीं है। मैं जानते तू चुप बैठ जा, तू तेरा मुंह बंद रखा, अभी तुझे जब घूमने मिल गया ना चुप बैठ जा। अभी तो मेरी बच्ची को घूमने नहीं मिला, जमजम पिलाओ तो खा ले तो खा ले। आई खा रही है शीरकुरमा नानी के हाथ का, कैसा है? अच्छा है? क्या हुआ, क्यों परेशान है? अल्लाह हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? तो चले अम्मी के घर पे, एंड अभी जाने का बस वक्त हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अम्मी बात करेंगे। अम्मी सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक, सारी यूट्यूब फैमिली को अम्मी की तरफ से ईद मुबारक। मुबारक। हाँ, तो आज अम्मी के घर पे ईद बनाए। अब कितना बज रहा है? रात के कुछ 8 बज रहे हैं, अभी हम लोग घर पे निकलने लगे। मैंने चलो आप लोग से हम बात करवा दूँ, मुलाकात करवा दूँ और फिर घर पे ले निकलूँ। और आज है ना, मुझे मेरी एक प्यारी सी खाला है सलमा खाला, उनके लिए एक मैसेज अम्मी के लिए छोड़ना है। अम्मी के लिए मेरे को उनसे बात करवाना था। क्या बोलूँ, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम उनके लिए हम बहुत बहुत दुआ करेंगे क्या उन अच्छे से रहे, उनका रहे, हमारा खुश रहे। और जो उनका जॉब का है वो भी उनके लिए हाँ, दुआ करूंगी दुआ मैं, इंशाल्लाह तुम्हारा जॉब भी लग जाएगा। और थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, उनकी खराब है, उनके लिए भी दुआ करूंगी। तो अल्लाह उनको बस उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे अल्लाह ताला, सबको खुशहाल रखे परवरदिगार। सलमा खाला मैंने आपका मैसेज अम्मी को दे दी, आपका सलाम भी भेज दी और आपका मैसेज भी मैंने अम्मी को दे दी। तो मैंने सोचा चले अभी जाते जाते आपकी बात करवा दूं अम्मी से, नहीं तो ये रह जाएगा। तो बस इंशाल्लाह फिर अम्मी घर पे आएंगे तब बात करवाऊंगी और भी हम लोग निकलेंगे। और बस चले गई ईद, अम्मी कैसी गई तुम्हारी ईद आज की? गई अल्लाह का एहसान है, जैसे भी निकल गई बस उनके एहसान की वजह से चले गई हमारी, वक्त निकल गया, चला गया हमारा वक्त। रमजान भी हमारा चला गया, अभी रमजान मुबारक हो गए अम्मी के, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के पूरे रोजे हुए ना अम्मी। हाँ, कुछ तबीयत बीच में शायद खराब हुई थी ना, तभी मेरे तभी दो रोजे, तभी दो रोजे छूटे थे जब अम्मी को मैं लेकर आई थी, है ना अम्मी? हाँ, जब भी मेरे हाँ, तभी बाकी अम्मी के पूरे रोजे हुए माशाल्लाह, पूरे 3 महीने के हो गए, 2 रोजे कम हो गए, अभी वो भी रखने के, अभी भी शवाल के भी शुरू होने वाले माशाल्लाह। तो अम्मी को तो मैंने बोली अगर तबीयत ऐसे खराब लगे ना तो फिर देख के हिसाब से रखो, तबीयत का भी ख्याल रखो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी घर पे, अभी देखते कितने बजे पहुंचते। खाना वाना खा लिए, शीरकुरमा भी खा लिए, अभी जाते घर पे और फिर आपको मिलूंगी आपको घर पे डायरेक्ट। और सबको, सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबको अम्मी की तरफ से ईद मुबारक, है ना? ईद मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह इतना सारा प्यार देने के लिए। चले अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी आपके भाई जान बहुत बिजी है, इन लोग है ना मोबाइल में लगे पड़े, तो अभी यहाँ से निकलेंगे घर पे, मिलती हूँ आपको रास्ते में। चले चलो बाबू, हो गया गेम? चलो नुमेर देखे, नुमेर के कपड़े देखो कितने बदले होते हैं नुमेर। चल जल्दी चल, जल्दी चल फज्जो। हाँ, कौन? क्या फुर्सत में बैठे? हाँ कौन? मैं कहाँ से आ रही है मैडम, क्या हो गया? घड़ी तोड़ दी, मिला वो धक्का है इसका धक्का। अल्लाह, घड़ी तोड़ी, तोड़ी नहीं अम्मा, मेरे हाथ से टिकता हुआ और नीचे गिर गया, नानी ने इसको छोड़े, ये है। अच्छा ठीक है, रख दो चलो कोई। हाँ इंशाल्लाह, बाय बाय। अम्मा नानी की याद आएगी, हाँ।
चल रहे थे कि मस्जिद ये गोरेगांव की है ना, इस कॉर्डर्स कॉलोनी की, कितनी खूबसूरत सजाए देखे, बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम सामने से या फ्रंट में से, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हाँ दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। संभाल के उतर।